क्योंकि मैं SDM पोस्ट पे ऑलरेडी पोस्टेड हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे जॉब से पूछे गए और बाकी कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस पे थे। UPSC के प्री के बारे में ये है कि आप करंट अफेयर्स से वेल वर्स्ड रहें और आप कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लें और सबसे इम्पोर्टेंटली आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लें। ये तीन चीज़ आपको करना चल रहा है उस समय, उससे UPSC अच्छे क्वेश्चन बनाती है। इसीलिए आज भी UPSC के पेपर के लिए रेस्पेक्ट मेंटेन है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और थॉट प्रोसेस से आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी याद करके आओगे तो लिख दोगे तो काम चल जाएगा। मुझे ऐसा है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम पिनाक पाणी द्विवेदी है। मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आपका कौन सा अटेम्प्ट और कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और 2nd इंटरव्यू है। आपने मेंस कितनी बार लिखा है? तीन बार मेंस लिख चुके हैं। ओके, और आपका मीडियम और ऑप्शनल? मेरा इंग्लिश मीडियम है, ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। ओके, और सर आपका इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू मेरा अच्छा गया, बहुत अच्छा गया इंटरव्यू मेरा। जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे मैं सेटिस्फैक्टरीली आंसर देने में कामयाब रहा, तो आई होप कि अच्छे मार्क्स आए, फिर बाकी जैसा होगा देखते हैं। बोर्ड किनका था? बोर्ड था श्री RN चौबे सर का। ओके, अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए, ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछे? अपनी जॉब से रिलेटेड या आपकी किस? क्योंकि मैं SDM पोस्ट पे ऑलरेडी पोस्टेड हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे जॉब से पूछे गए और बाकी कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस पे थे। और एक SR का रिपोर्ट आया है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें भी थोड़ा सा पूछे गए। वो एक NGO ने रिपोर्ट निकाला है तो उस पर भी थोड़े क्वेश्चन पूछे गए। आपने UPPCS ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसमें, तो आप सिलेक्टेड होने के बाद भी, SDM होने के बाद भी आपने क्या UPSC करने का क्यों सोचा? आप तो ऑलरेडी सर्विस में थे ना सर। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मतलब इसके लिए सोचा, बस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। आप ज़्यादा वाइड एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमको पर्सनली भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। और ऑल ओवर इंडिया आपको काम करने का मौका मिलता है, तो अगर आपको स्वयं को यह अनुभव देने का मौका मिलता है तो क्यों न दिया जाए, इसीलिए मैंने प्रयास किया। ओके, सर आपके इंटरव्यू में डैप से क्वेश्चन पूछे गए? डैप से मैं कोई खास क्वेश्चन नहीं थे, एक दो थे तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ, लेकिन वो मेरे लोकेशन से ही थे, जैसे जो कि मिर्जापुर से थे, बनारस से थे, चंदौली से थे, ऐसे थे क्वेश्चन। आपको किसी क्वेश्चन में सॉरी तो नहीं बोलना पड़ा? नहीं बोलना पड़ा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे सॉरी बोलना पड़ा, बट ये तो इंटरव्यू का पार्ट है, मतलब ये जरूर होना चाहिए मुझे लगता है। ओके सर, आपने जब सॉरी बोला तो उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है? नहीं उन्होंने कहा कि कोई नहीं दूसरा क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा, मतलब बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल। आई एम रियली थैंकफुल कि अच्छे ऑफिसर का बोर्ड मिला था। वो तो एकदम आराम से, उन्होंने जाते ही मुझसे बोला आराम से बैठ जाइए, तो फिर तब उन्हें थोड़ा सपोर्ट आया कि भाई गलती ना हो, तो आराम से मैं बैठ गया। तो यही है, अच्छा था बोर्ड, बहुत अच्छा था। अच्छा ये बताइएगा, जो आपने PCS का एग्जाम दिया और UPSC का एग्जाम दिया, दोनों का कॉम्पिटिशन लेवल कैसा है, एग्जाम का लेवल दोनों का कैसा है? जब मैंने एग्जाम दिया था तो ऑप्शनल भी था UPPCS में, अब ऑप्शनल हट गया है। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा UPSC के एग्जाम का ये है इशू कि ये थॉट प्रोसेस को चेक करता है। UPPCS में बहुत हद तक नहीं, लेकिन थोड़ी हद तक कहा जा सकता है कि कुछ अगर फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जनरल नहीं है ये, लेकिन पूछे जा सकते हैं कभी। लेकिन UPSC आपके थॉट प्रोसेस को ही चेक करता है। अच्छा, जो आप प्री की बात करें तो प्री के बारे में बेस्ट तरीका क्या है तैयारी करने का UPSC में? देखिए UPSC के प्री के बारे में ये है कि आप करंट अफेयर्स से वेल वर्स्ड रहें और आप कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लें और सबसे इम्पोर्टेंटली आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लें। ये तीन चीज़ आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या लगते हैं आपको? मैडम कोई बेस्ट रिसोर्स नहीं है, अगर बेस्ट होता तो फिर हर कोई वही पढ़ लेगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे हिसाब से कम आप किसी दो कोचिंग का टेस्ट सीरीज पढ़ें, मतलब ऐसा कोई नाम नहीं, लेकिन जो दो कोचिंग आप, कोई भी दो कोचिंग आपको जो लगता है कि अच्छे लेवल पे मतलब आपको प्रोवाइड करा रही है, मैगजीन्स, करंट अफेयर, आपको वो पढ़ना चाहिए कम, क्योंकि एक कोचिंग से, किसी भी एक कोचिंग से पूरा नहीं हो पाता। ये सर सी सेट काफी टफ होता जा रहा है, बोल रहे UPSC का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सीसेट के बारे में मेरा सजेशन ये है, टफ तो चुकी होता जा रहा है, मेरा सजेशन ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के जाने पड़ेंगे पहली बात, और दूसरी बात कि सबसे इम्पोर्टेंटली आप कुछ सॉल्व करके जाएं, कुछ टेस्ट सीरीज लगा के जाएं। सर आपने इंटरव्यू के लिए मॉक्स दिए थे? हाँ मैंने 2-3 मॉक्स दिए थे। तो मॉक में और रियल इंटरव्यू में क्या फर्क है? क्वाइट डिफरेंट है, रियल इंटरव्यू बहुत अलग होता है, रियल इंटरव्यू में थोड़ा कॉर्डियल और बिहेवियर होता है, लेकिन मॉक्स आपको प्रिपेयर करता है रियल इंटरव्यू के लिए। सबसे खास बात यह है कि मॉक्स में आपकी एक आदत पड़ जाती है मैं आई कम इन बोलने की, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बोलने की, मार्क्स इसलिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, हाँ सर ये बताइएगा मेंस की तैयारी आपने कैसी की और किस तरीके का आपको क्या करना पड़ता? मेंस के लिए देखिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है जी। मैंने थोड़ा टाइमर लगा के लेट नाइट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ये सब चीज़ें सॉल्व करता रहा, अखबार पढ़ता रहा, और बेसिक तो आपको तैयार रखना ही पड़ेगा मेंस के लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस के। राइटिंग प्रैक्टिस आपको मन लगा के करना पड़ेगा। अगर आपकी मेंस की बात करें, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कितना समय लगता है?
एक क्वेश्चन 7 से 8 मिनट 9 मिनट लगते हैं जनरली, इतना मुझे भी लगता था। सर ये बताइएगा मेंस के लिए बेस्ट मतलब बुक लिस्ट आप क्या बोलेंगे, लाइक क्वालिटी के लिए क्या बेस्ट रहता है? कोई बेस्ट नहीं है मेंस के लिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लें जी, कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, करंट अफेयर उठा के देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन चल रहा है उस समय उससे यूपीएससी अच्छे क्वेश्चन बनाती है। इसीलिए आज भी यूपीएससी के पेपर के लिए रेस्पेक्ट मेंटेन है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और थॉट प्रोसेस से आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी याद करके आओगे तो लिख दोगे तो काम चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आपको मतलब गहनता से किसी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। अगर कोई यूपीएससी के स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है या कर रहा है, ठीक है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने से पहले? सबसे पहले तो ये समझें कि 2 साल 3 साल आपको मन से देना पड़ेगा और बेसिक्स पहले स्ट्रांग करें, एनसीईआरटी से स्टार्ट करें जी। और अब तो काफ़ी ऑनलाइन सपोर्ट मटेरियल भी आ गए हैं, वो ज़रूर हेल्प लें, किसी भी मटेरियल जो मार्केट में है उसका हेल्प लेने से बिल्कुल न कतराएं, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत कम्पिटिटिव हो गया है, इसलिए आपको जहाँ से भी सपोर्ट मिले आप जरूर सपोर्ट लें, ये मेरा कहना है। अच्छा आप मोटिवेट रहने के लिए क्या करते थे जब आप तैयारी करते थे यूपीएससी अपने पीसीएस? देखिए मोटिवेट रहने के लिए ये करना पड़ता है कि आपने जिस रीजन से तैयारी शुरू की है उस रीजन को आप याद रखें और आप ये हमेशा होप करें कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ज़िंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो इसलिए भी आपको मोटिवेट रहना पड़ता है। न्यू स्टूडेंट का क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी करना चाह रहे हैं? आप जरूर तैयारी करें, बहुत अच्छा फील्ड है सर्विस करने का, देश के प्रति आपको भी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, वेल पेड है, सरकार आपको सारी सुविधाएं देंगी और आपको कंट्रीब्यूट करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसलिए ज़रूर तैयारी करना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। थैंक यू सर।